जल्दी करें, मुझे जंप करना है। इमली, अब तुम्हारा टर्न। चुलबुल, तुम इमली के बाद जंप करना, ठीक है? चट्टा अंकल। गुड मॉर्निंग चट्टा अंकल, आपसे कुछ कहना है। जल्दी में तुम्हारी आंटी को शॉपिंग पर लिए जा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? रुको रुको, ये क्या हो रहा है? अजी सुनिए तो, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? पापा पापा, अजी रुकिए तो। चल जट्टा हूँ। शुक्र है बच गए, वरना वो हमारा बुरा हाल करता। मुन्नू, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? गांव में मेरी नानी बहुत बीमार है, मैं उनसे किसी भी तरह मिलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पापा को ऑफिस से छुट्टी मिल ही नहीं रही। काश मेरे पास पंछियों की तरह पंख होते तो मैं अकेले ही उड़ के चला जाता। दुखी मत हो मुन्नू, मैं तुम्हें पंख बना के दे दूंगा, तुम अपनी नानी से मिलने उड़ के चले जाना। अरे ये क्या कह दिया वीर? सच? वीर, तुम मुझे उड़ने वाले पंख दोगे? कब दोगे? हाँ दूंगा, अभी मैं स्कूल जा रहा हूँ, कल स्कूल की छुट्टी है, कल मैं तुम्हें पंख बना के दे दूंगा। ये मैं नानी से मिलूंगा, ये मैं नानी से मिलूंगा। System start. How to make wings? अच्छा, ऐसे बनाना wings. कहाँ गया ये वीर? अच्छा तो यहाँ छुपा बैठा है, अभी दिखाता हूँ इसे। तुमने मेरे पापा की कार को ट्रक से क्यों बांधा बताओ? अरे देख क्या रहे हो, वीर को बचाओ, लेकिन ऐसा जादू मत करना कि लोगों को शक हो जाए कि तुम यहाँ हो। कौन है, कौन शोर कर रहा है? क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करा, मैं नहीं करा, मेरी कमर अपने आप पटक रही है। बदतमीज, बेशरम, चलो प्रिंसिपल के पास। मैं कुछ नहीं कर रहा। महापुरुष, क्लासेस तो खत्म हो गई, पंख बनाने का तरीका मिला कि नहीं? उड़ने वाले पंख बनाना इम्पॉसिबल है। जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करे उसे वीर कहते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ जिंटू को बुलाओ, वही हमारी मदद कर सकता है। ये तुमने पुकारा और हम चले आए, काम क्या है ये तो बताएं। हमें उड़ने वाले पंख चाहिए अभी।
आपका हुक्म सराखों पे। ये लो बॉस, उड़ने वाले पंख। ये तो असली पंख है, वाव। हाँ, चलो उड़ के देखते हैं। सब हमें देख लेंगे, फिर लोगों को हम क्या कहेंगे? कुछ मत कहो, कुछ मत कहो, उड़ते रहो उड़ते रहो। डोंकीज के इतिहास में ऐसा मौका पहली बार आया है, फिर ये मौका मिले ना मिले। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। जिंटू, हमें ऐसे पंख नहीं चाहिए जिंटू। ओके बॉस। कौन से पंख चाहिए बताओ तो सही। पुल में तो बच गया, अभी मिला तो उसका भुर्ता बना दूंगा। वीर तुम्हारा पैर, रिपेयर रिपेयर। दादाजी एक कहानी सुनाइए ना। तुम भी ना बच्चों की तरह रोज कहानी सुनना चाहते हो। बच्चा ही तो हूँ, है ना दादाजी? अच्छा सुनो, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसने देश की रक्षा, तरक्की और शांति के लिए एक बार एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया। ह्यूमनॉइड रोबोट वो होता है जो इंसानों की तरह हर काम कर सकता है और इंसानों की तरह सोच सकता है, उनकी हर फीलिंग महसूस कर सकता है। वो एक इंसान जैसा ही था, लेकिन इंसानों से कहीं ज्यादा पावरफुल था। उसमें तमाम ऐसी शक्तियां थीं जो इंसानों में नहीं हो सकती। मुबारक हो डॉक्टर सहाय, आपने ऐसा रोबोट बना दिया है जो आज तक कोई नहीं बना पाया। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आई सी यू सून। ए सुनो, ये रोबोट हमें चाहिए और इसे बनाने वाला फॉर्मूला भी चाहिए। कीमत जो तुम मांगो मिल जाएगी, समझे? तुम्हें ना ये रोबोट मिलेगा ना इसे बनाने का फॉर्मूला। बेवकूफ मत बनो, सोचो अगर हम ऐसे रोबोट्स की फौज बना ले तो हम सारी दुनिया जीत सकते हैं। हमें कोई हरा नहीं सकता, इससे तो हम हर हाल में ले जाएंगे। तुम अपनी कीमत बोलो। वो साइंटिस्ट उस रोबोट को लेकर कहीं छुप गया। उसने रोबोट को एक प्यारे लड़के का रूप देकर एक नया नाम दिया। उन्होंने इस रोबोट का नाम रखा वीर और उस साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर प्रेम सहाय, है ना दादाजी? आप हमेशा यही कहानी सुनाते हैं। अच्छा, उस आदमी का नाम क्या था जो मुझे चुराना चाहता था? अच्छा अब सो जाओ, तुम्हारी बैटरी चार्जिंग का समय है। बैटरी चार्ज नहीं की तो कल दिन में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दादाजी उसका नाम तो बताइए जो मुझे चुराना चाहता था। उसका नाम था मैड मैक्स और वो तुम्हें आज भी ढूंढ रहा है।
सब बेकार हो, निकम्मे हो, नालायक हो। आज तक डॉक्टर प्रेम सहाय के रोबोट को नहीं ढूंढ सके। मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। यू आर जीनियस, यू आर सुपर जीनियस बॉस। Yes, boss. Yes, boss. She is right, boss. She is right. वो देखिए, आपका बनाया शक्तिशाली रोबोट तैयार है, boss. आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। प्रेम सहाय का रोबोट अब बच नहीं सकता। डॉक्टर प्रेम सहाय, अब तुम्हारे रोबोट को कोई नहीं बचा सकता। System start. अब समझ आ गया उड़ने वाले पंख कैसे बनाने हैं। चुलबुल, ये कपड़ा पकड़ो। ओए, मेरा कपड़ा। साइकिलिंग सेहत के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। भैंस पानी में। वीर, चुलबुल ने बताया कि तुम मुन्नू के लिए पंख बना रहे हो। मुन्नू की नानी बहुत बीमार है, वो उनसे मिलना चाहता है लेकिन उसके पिताजी को ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल रही, इसलिए वो मेरे पंख से उड़ के नानी से मिलने जाएगा। वीर, इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि तुम्हारी असलियत किसी को पता ना चले। जिस दिन लोगों को पता चल गया कि तुम कौन हो, अनर्थ हो जाएगा। अच्छा, वो सब छोड़ो, चलो अब नाश्ता कर लो। खाना पीना जहाँ जहाँ, जिंटू भैया वहाँ वहाँ। ये नाश्ता वीर के लिए है। भूल गया। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? चुलबुल, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम है ना, जिंटू के सर पे चोट लगने से वो सब कुछ भूल जाता है। चलो उसकी याद वापस लाओ। हाँ, मैं तो नाश्ता कर रहा था। ये क्या हो रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? मम्मी चलो तो, अरे चलो तो, देखो तो, वीर का हाथ नहीं हथौड़ा है, हथौड़ा। उसके हाथ से ना लेजर बीम निकलती है। चलो चलो। चिंटू, लगता है बंटी ने मुझे काम करते हुए देख लिया है, जल्दी से कुछ करो। क्या है तू? देखो देखो देखो, मेरे सारे काम छुड़वा के ले आया। कहाँ से निकल रही है लेजर बीम? वीर के हाथ में हथौड़ा है, हाथ हथौड़ा नहीं है। बगड़म बगड़म आलम फालम, याद तुम्हें ना कुछ आए। कौवे जैसी याद हो तेरी, जो अभी है देखा भूल जाए। काव 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 काव, ये क्या काव काव लगा रखा है? जल कान पकड़, अभी के अभी कान पकड़, फिर कभी ऐसी मस्ती की तो देखना। हाँ, पर मम्मी बताओ तो हुआ क्या? काव 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 काव। वीर, वीर, क्या
क्या मेरे पंख बन गए? बस एक घंटे में बन जाएगा। तुम सबको लेकर मीनार के नीचे पहुँचो, मैं वहीं पर पंख लेकर आता हूँ, ठीक है? ये! थैंक यू! मिया! बॉस, यू जीनियस, यू सुपर डुपर जीनियस। आपने जो रोबोट बनाया है, वो तो कुछ भी कर सकता है। मिया! She is right, boss. She is right. Mona is never wrong. Mona कभी गलत नहीं होती। तो दिखाओ जरा कि क्या ये रोबोट इंसानों की तरह सोच समझकर काम कर सकता है? Yes, boss. Hey, सुनो, boss को प्यास लगी है। बताओ क्या करोगे? Good. Good, good. Very, very good. Very, 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 very good, good, good. मेरे आदमी तो आदमी, मेरे रोबोट भी निकम्मे हैं। इसे तो पानी देना तक नहीं आता। Mad Max is mad. Very, very mad. Control, boss, control. आप जैसे जीनियस, सुपर डुपर जीनियस पर गुस्सा शोभा नहीं देता। She is right, boss. She is right. चुप रहो चमचे नंबर वन। जाओ और प्रेम सहाय के रोबोट को ढूंढो। हर न्यूज देखो, हर अखबार पढ़ो। कहीं भी कोई अनयूजुअल, कोई अनहोनी बात हो रही हो, वहाँ चेक करो। वो रोबोट है। कभी न कभी कोई अनहोनी तो करेगा ही। जाओ, जाओ। Mad Max is mad, very, very mad. तुम कर सकते हो, कर सकते हो। वीर, मुझे डर लग रहा है। तुम्हारी मशीन पे मुझे भरोसा नहीं। जिंटू, जिंटू, अब तुम ही हमारी मदद करो। चुलबुल, ये सब हम मुन्नू की खुशी के लिए कर रहे हैं। अगर तुम्हें मेरी मशीन पर भरोसा नहीं, तो ठीक है। जिंटू तुम्हें पकड़ के ऐसे उड़ाएगा जैसे तुम मेरे पंख से ही उड़ रहे हो। अब तो खुश? जिंटू को तो भूलने की बीमारी है। तुम्हारे जाता ही भूल गया, तो मेरी मदद कैसे करेगा? जिंटू तब भूलता है जब उसके सिर पे चोट लगती है। उसकी यादें आती जाती रहती है, फिर यहाँ उसे चोट लगने का कोई चांस ही नहीं है। डरो मत, मुझ पे भरोसा नहीं है, तो ये मंत्र याद रखो। अगड़म बगड़म इकड़म तिकड़म आलम फालम दम दमादम। ये मंत्र बोल के कहो कि मैं उड़ जाऊं और तुम उड़ सकते हो। अगड़म बगड़म इकड़म तिकड़म आलम फालम दम दमादम। अगड़म बगड़म इकड़म तिकड़म आलम फालम दम दमादम। वेरी गुड चुलबुल, अब मैं नीचे जाता हूँ ताकि लोगों को शक ना हो। आगे तो बोलो, मंत्र बोलो और उड़ जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं उड़ सकता। मैं तो मंत्र भी भूल गया। अगड़म तिकड़म शिकड़म, कभी खुशी कभी गम। मम्मी! सुना है इस लड़के ने उड़ने वाले पंख बनाए हैं। कहीं यही तो प्रेम सहाय का रोबोट नहीं है? चलो अभी पता चल जाएगा। तुम कूदो, मैं तुम्हें उड़ा के ले जाता हूँ। चलो कूदो, मंत्र छोड़ दो। भूल गया। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ओ, खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। खाना पीना जहाँ जहाँ, जिंटू भैया वहाँ वहाँ। अरे रुको रुको, तुम नहीं जा सकते। Woo!
ठीक-ठाक नहीं लगता, ये तो कोई बेवकूफ लड़का लगता है। इकड़म तिकड़म दम मारो दम, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, वीर वीर मुझे डर लग रहा है। Let's go!